बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। खबर काशीपुर से, जहां पर कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बॉर्डर पर ही रैपिड टेस्ट का इंतजाम किया है। रैपिड टेस्ट से केवल 15 मिनट में ही कोरोना की नेगेटिव या पॉजिटिव की रिपोर्ट आ जाती है। आपको बता दें कि स्क्रीनिंग टेस्ट करने से पहले लोगों को सरकारी अस्पताल में ब्लड सैंपल टेस्ट किया जाता था, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन में आती थी और तब तक उस व्यक्ति को क्वारंटीन सेंटर में रखा जाता था, लेकिन अब रिपोर्ट आने के बाद क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। कोरोना वायरस COVID-19 का महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसी बढ़ते क्रम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जो लोग प्रवासी बाहर से अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं, उनके लिए बॉर्डरों पर रैपिड टेस्ट की सुविधा की है। तो प्रवासियों से उत्तराखंड में तो कोरोना बहुत तेजी से बढ़ा, इस समस्या को देखते हुए जो सरकार ने रैपिड टेस्ट का डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है, वो वास्तव में बहुत अच्छा है, क्योंकि वो यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के बॉर्डर पे ही रैपिड टेस्ट होने से जिनको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर रैपिड टेस्ट हो रहा है और फटाफट उसकी रिपोर्ट आ जाती है तो हम उसका टेस्टिंग का जो क्वारंटाइन का टाइम है, अगर वो 14 दिन है और उसकी रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है किसी वजह से, तो हम उसको कम कर सकते हैं। उसे स्वाब का जो भी सैंपल लेते हैं वो आवश्यक है, और जैसा जानकारी में आया है कि जो लोग बाहर से शहर में प्रवेश कर रहे हैं किसी में भी, तो बॉर्डर्स पर ही उनके सैंपल एकत्र करके उनको सीधे रिपोर्ट आने तक या तो प्रतीक्षा वहीं करनी पड़ रही है या उनको क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है।